द्वारा जनित रोग है, प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किस परजीवी से होता है? मलेरिया, बस लिखने का काम करो सर, अब कमेंट बंद करो भाई, कमेंट बंद करो, बस लिखना है अभी आपने। जितना लिखोगे उतना आपको याद रहेगा यार, बार बार लिखो, हर क्वेश्चन को बार बार लिखो, लिख लिख के आपको याद हो जाएगा ये। मलेरिया किस परजीवी से होता है? प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स द्वारा। मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? प्लीहा को। मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? प्लीहा को प्रभावित करता है। मलेरिया हो जाने पर मानव शरीर में क्या कमी आती है? मलेरिया हो जाने पर मानव शरीर में क्या कमी आती है? आरबीसी में कमी आती है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाओं में कमी हो जाती है। हमारे रेड ब्लड सेल जो है वो कम होने शुरू हो जाते हैं। कुनेन क्या है? कुनेन क्या है? कुनेन एक औषधि है। कुनेन क्या है? कुनेन एक औषधि है। कुनेन किससे प्राप्त की जाती है? सिनकोना पेड़ की छाल से। कुनेन, कुनेन किससे प्राप्त की जाती है? सिनकोना पेड़ की छाल से। सिनकोना पेड़ की छाल से। कुनेन का प्रयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है? मलेरिया के इलाज के लिए। कुनेन का प्रयोग मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है। कुनेन का प्रयोग मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डेंगू किसके द्वारा जनित रोग है? डेंगू किसके द्वारा जनित रोग है? विषाणु द्वारा। डेंगू किसके द्वारा जनित रोग है? विषाणु द्वारा। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? एंटिस मच्छर के काटने से, विषाणु वायरस। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? एंटिस मच्छर के काटने से। डेंगू किस परजीवी से होता है? डेंगू किस परजीवी से होता है? इन्फ्लुएंजा द्वारा। इन्फ्लुएंजा द्वारा। इन्फ्लुएंजा परजीवी के द्वारा होता है। डेंगू हो जाने पर मानव शरीर में क्या कमी होती है? डेंगू हो जाने पर मानव शरीर में क्या कमी आती है? प्लेटलेट्स में कमी आती है। तो हमारे शरीर में तीन तरह की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी? आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। तो मलेरिया होने पर आरबीसी कम हो जाते हैं हमारे, और डेंगू होने पर प्लेटलेट्स में कमी आती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में होती है।
चिकनगुनिया किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं पहले पेपर में। तो चिकनगुनिया मच्छर के काटने से होता है, प्लेग रोग चूहे के काटने से होता है, प्लेग रोग चूहे के काटने से होता है, रैबिज रोग कुत्ते के काटने से होता है, रैबिज रोग कुत्ते के काटने से होता है, रैबिस के टीके की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रैबिस के टीके की खोज लुईस पाश्चर ने की। हाइड्रोफोबिया क्या है? पानी का भय। हाइड्रोफोबिया, जब इंसान को पागल कुत्ता काटता है तो इंसान जो है पानी के पास जाने से डरता है, तो साइंटिफिकली जो है इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब हाइड्रो पानी, फोबिया मतलब भय, तो हाइड्रोफोबिया क्या है? पानी का भय। ये पागल कुत्ते काटने से होने वाला रोग है। मवेशियों में सूर रोग कैसे उत्पन्न होता है? विषाणु के द्वारा। मवेशियों में सूर रोग कैसे उत्पन्न होता है? विषाणु के द्वारा। पृथ्वी की परतों को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। पृथ्वी की परतों को तीन भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट कहलाती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट कहलाती है। क्रस्ट पृथ्वी की मध्य परत मेंटल या पावार भी कहते हैं इसे। इंग्लिश में मेंटल, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में पावार। पृथ्वी की मध्य परत मेंटल या पावार कहलाती है। पृथ्वी की सबसे निचली परत कोर। पृथ्वी की सबसे निचली परत है कोर। पृथ्वी की कोर परत का मुख्य घटक क्या है? पृथ्वी की कोर परत का मुख्य घटक, मुख्य घटक मतलब सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। जब घटक की बात हो तो पूछा जाता है कि सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक क्या पाया जाता है। तो पृथ्वी की कोर परत का मुख्य घटक लोहा और निकल है। लोहा और निकल कोर परत में सबसे अधिक पाया जाता है, लोहा और निकल। पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु एल्यूमिनियम। और भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार हैं? थोरियम के। भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार हैं? थोरियम के। थोरियम और थोरियम धातुओं का प्रयोग हवाई जहाज को बनाने के लिए सबसे अधिक किया जाता है। थोरियम धातु का प्रयोग हवाई जहाज बनाने के लिए सबसे अधिक किया जाता है। थोरियम धातु का प्रयोग हवाई जहाज बनाने के लिए सबसे अधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का संकेत सिंबल क्या है? एल्यूमिनियम का AL। एल्यूमिनियम का संकेत है AL।
एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबे और जस्ते का। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा जस्ता। कांसा, तांबा तथा टिन। कांसा किसका मिश्रण है, मतलब कांसे की जो चीजें बनाई जाती हैं वो किन किन धातुओं को आपस में मिलाकर बनाई जाती हैं? तो कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? तांबे और टिन का। बेल मेटल, जो घंटी होती है स्कूल की घंटी हो गई है ना, तो बेल मेटल, बेल मेटल किसका मिश्रण है? तांबे और टिन का, सेम है, कांसा का ही, कांसे की बनी होती है वो। बेल मेटल किसका मिश्रण है जब स्कूल की घंटी बजाने के लिए, बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है, तब भी यही आंसर आएगा, तांबा और टिन। तो बेल मेटल किसका मिश्रण है? तांबे और टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर जिसे टांका भी कहते हैं, सोल्डर या टांका किन धातुओं का मिश्रण है? सोल्डर या टांका किन धातुओं का मिश्रण है? टिन तथा सीसा। सीसा तथा टिन, सीसा तथा टिन, इन दोनों धातुओं को मिलाकर सोल्डर या टांका बनाया जाता है। तो सोल्डर किन धातुओं का मिश्रण है? टिन तथा सीसे का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कृत्रिम गोल्ड, आर्टिफिशियल गोल्ड, कृत्रिम मतलब जो नकली सोना होता है वो किन धातुओं से बनाया जाता है? कृत्रिम गोल्ड या कृत्रिम सोना किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा तथा एल्यूमिनियम, तांबा तथा एल्यूमिनियम, तांबा व एल्यूमिनियम का मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील, ये धातुओं के बारे में क्वेश्चन जो है पक्का आएगा एक ना एक। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है? लोहा, क्रोमियम, निकल। लोहा, क्रोमियम और निकल। लोहा, क्रोमियम और निकल का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है? जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है? जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा, जस्ता, निकल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जर्मन सिल्वर जो है वो किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा, जस्ता और निकल का। गन मेटल, गन मेटल जो बंदूक के पिस्टलें बनाई जाती हैं वो किन धातुओं को मिलाकर बनाई जाती हैं? तो गन मेटल किसका मिश्रण है? तांबा, जस्ता, तांबा, जस्ता और टिन। गन मेटल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा, जस्ता और टिन। तो गन मेटल में ये क्वेश्चन एक बार पेपर में आ चुका है कि गन मेटल में तांबा कितने प्रतिशत पाया जाता है।
तो गन मेटल में तांबा होता है 88%, 88%, जस्ता 2% और टिन 10%। गन मेटल में तांबा है 88%, जस्ता 2% और टिन 10% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये धातुओं के बारे में है। सोने का अयस्क क्या है? सोने का अयस्क कैल्वेराइट है। कैल्वेराइट, सोने का अयस्क कैल्वेराइट है। पारे का अयस्क सिनेवार है। पारे का अयस्क सिनेवार। सिल्वर का अर्जेंटाइन, सिल्वर का अयस्क अर्जेंटाइन है। सिल्वर का अयस्क सोने का, यार सोने का मैं अयस्क बोल रहा हूं, संकेत नहीं, सोने का संकेत AU है लेकिन सोने का अयस्क कैल्वेराइट है। सोने का अयस्क जो है वो कैल्वेराइट है, पारे का अयस्क सिनेवार है और पारे का संकेत HG है। सिल्वर का अयस्क अर्जेंटाइन है। सिल्वर चांदी को कहते हैं भाई, तो चांदी को क्या बोलते हैं? AG। चांदी का संकेत AG है और चांदी का जो अयस्क है या सिल्वर का जो अयस्क है वो अर्जेंटाइन है। गैलेना का अयस्क सीरुसाइट है। गैलेना का अयस्क सीरुसाइट। गैलेना का अयस्क सीरुसाइट है और गैलेना का संकेत PBS है। गैलेना का संकेत PBS। बी बोल वाला आएगा भाई, पी बड़ा बी छोटा, बी बोल वाला, PBS गैलेना का संकेत है। लोहे का संकेत FE। लोहे का संकेत FE और लोहे का अयस्क हेमेटाइट है। लोहे का संकेत FE और लोहे का अयस्क हेमेटाइट। यूरेनियम का संकेत U। यूरेनियम का संकेत U है और यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेंड है। यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेंड है। जिंक का संकेत ZN। जिंक का संकेत ZN है और जिंक का अयस्क कालामाइन है। और जिंक का संकेत कालामाइन है। मैग्नीशियम का संकेत MG है। मैग्नीशियम का संकेत MG और मैग्नीशियम का अयस्क डोलोमाइट है। मैग्नीशियम का अयस्क डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये धातुओं के बारे में लिखवा रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन लिखिए, सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम।
सबसे हल्की धातु लिथियम। अगर क्वेश्चन आ गया पानी पर तैर सकने वाली धातु, जो पानी पर तैर सकती है वो लिथियम, क्योंकि वो सबसे हल्की है तो पानी पर भी तैर सकती है, तो पानी पर तैर सकने वाली धातु लिथियम है। मिट्टी के तेल या कैरोसिन के तेल में रखी जाने वाली धातु सोडियम। मिट्टी के तेल या कैरोसिन के तेल में किस धातु को संचित किया जाता है? सोडियम को। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु सोडियम। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु सोडियम। सफेद सोना किसे किस धातु को कहते हैं? सफेद सोना प्लैटिनम। सफेद सोना किस धातु को कहते हैं? प्लैटिनम को। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। अब तक कुल कितने तत्व ज्ञात हैं? 119। अब तक कुल कितने तत्व ज्ञात हैं? 119। मानव शरीर में तत्वों की संख्या 24 है। मानव शरीर में कितने तत्व पाए जाते हैं? 24। 24 तत्व पाए जाते हैं, 24 एलिमेंट्स। मानव शरीर में तत्वों की संख्या 24 है। आवर्त सारणी का खोजा गया पहला तत्व हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का खोजा गया पहला तत्व हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी या आवर्ती सारणी का खोजा गया, पीरियोडिक टेबल कहते हैं इसे, पीरियोडिक टेबल। तो आवर्त सारणी का खोजा गया पहला तत्व हाइड्रोजन, और आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने की थी। आवर्ती सारणी की खोज मेंडलीफ ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? एक मिनट में मनुष्य का हृदय 70 से 72 बार धड़कता है। एक मिनट में मनुष्य का हृदय 70 से 72 बार धड़कता है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय का अध्ययन द स्टडी ऑफ हार्ट। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, कार्डियो CARDIOLOGY, कार्डियोलॉजी। ECG किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। ECG किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। ECG को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पूछा जा सकता है, ये भी फुल फॉर्म लिखनी है इसकी, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ECG का संबंध किससे है? हृदय से है। मानव हृदय के 4 भाग हैं। मानव हृदय के भाग हैं 4। हृदय की 2 धड़कनों के बीच का समय अंतराल कितना है? 0.8 सेकंड।
हृदय की दो धड़कनों के बीच का समय अंतराल कितना है? 0.8 सेकंड। हृदय की दो धड़कनों के बीच का समय अंतराल 0.8 सेकंड है। हृदय एक बार की धड़कन में कितने मिलीलीटर रक्त धकेलता है? 70 मिलीलीटर। हृदय एक बार की धड़कन में कितने मिलीलीटर रक्त धकेलता है? 70 मिलीलीटर रक्त को आगे पुश करता है, धकेलता है। पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित रखता है? पेसमेकर। हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित रखता है? पेसमेकर जो है उसको कंट्रोल में रखता है। पेसमेकर का काम क्या है? हमारी धड़कन को नियंत्रित रखना। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेसमेकर का काम है धड़कन को नियंत्रित रखना, कंट्रोल में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट अटैक का क्या कारण है? जो हार्ट अटैक आता है वो किस वजह से आता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति। हार्ट अटैक का क्या कारण है? हृदय में रक्त की आपूर्ति। हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण हार्ट अटैक आता है। मानव रक्त में क्या बढ़ने के कारण हृदय रोग होते हैं? कोलेस्ट्रॉल। मानव रक्त में क्या बढ़ने के कारण हृदय रोग होते हैं? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर हृदय रोग होते हैं। मानव रक्त में क्या बढ़ने के कारण जो है हृदय रोग होते हैं? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब हमारे ब्लड में बढ़ जाती है तो हृदय रोग होते हैं। तो सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल कहां बनता है? यकृत द्वारा। मानव शरीर में सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल बनने वाला स्थान यकृत। सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल बनने वाला स्थान है यकृत। यकृत का अध्ययन हेपाटोलॉजी कहलाता है। यकृत का अध्ययन हेपाटोलॉजी कहलाता है। यकृत का अध्ययन हेपाटोलॉजी HEPOTOLOGY हेपाटोलॉजी। यकृत को कितनी लोब्स में बांटा गया है? दो लोब्स में बांटा गया है। यकृत को कितनी लोब्स में बांटा गया है? दो लोब्स में। टू लोब्स हैं यकृत की, दो भाग हैं भाई। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और सबसे छोटी ग्रंथि
पीयूष ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को भी मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में पित्तरस का निर्माण, पित्तरस इसको बोलते हैं बाइल जूस, पित्तरस का निर्माण यकृत द्वारा होता है। पित्तरस का निर्माण, जो पित्तरस बनता है कहां बनता है, बाइल जूस कहां बनता है, यकृत द्वारा। मानव शरीर में पित्तरस का निर्माण यकृत द्वारा होता है। यकृत से स्त्रावित पित्तरस कहां भंडारित होता है, तो यकृत से जो पित्तरस निकलता है, जो बनता है, वहां पे निकल के कहां जाता है, पित्ताशय में। तो यकृत से स्त्रावित पित्तरस कहां भंडारित होता है, पित्ताशय में, पित्ताशय में भंडारित होता है। तो लीवर के ठीक नीचे क्या है, गॉल ब्लैडर, जिसे पित्ताशय कहा जाता है। हिंदी में पित्ताशय और इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहा जाता है इसे, और देसी भाषा में पित्ता, पित्ता कहा जाता है। तो पित्तरस कहां भंडारित होता है, पित्ताशय में। प से पित्तरस और प से पित्ताशय, याद रखना है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुफर कोशिकाएं यकृत में पाई जाती हैं। मानव शरीर में कुफर कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं, यकृत में पाई जाती हैं। शरीर में कुफर कोशिकाएं यकृत में पाई जाती हैं। मानव शरीर में कुफर कोशिकाएं कहां पाई जाती है, यकृत में, लीवर में पाई जाती हैं। शरीर में हेपारिन का स्त्राव कहां से होता है, लीवर की रक्त कोशिकाओं से। हेपारिन, हेपारिन क्या है, हेपारिन एक प्रोटीन है। शरीर में हेपारिन का स्त्राव कहां से होता है, लीवर की रक्त कोशिकाओं से। लीवर की रक्त कोशिकाओं से जो है, हेपारिन का स्त्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी रोग किसको प्रभावित करता है, यकृत को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हेपेटाइटिस बी रोग किसको प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है, पीलिया, इसे जॉन्डिस कहा जाता है। पीलिया रोग भी यकृत को प्रभावित करता है। सोराइसिस रोग भी यकृत को प्रभावित करता है। सोराइसिस, सोराइसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है, यकृत को, लीवर को प्रभावित करता है। सोराइसिस होने का कारण क्या है, अल्कोहल। जो लोग अधिक अल्कोहल का, शराब का जो सेवन करते हैं, उनको सोराइसिस हो जाता है। तो सोराइसिस होने का कारण क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल के कारण जो है सोराइसिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, चंद्र ग्रहण किस दिन होता है, पूर्णिमा के दिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं पेपर में आने के, आता ही आता है तकरीबन। ये
तो चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? अगर दिन पूछा गया किस दिन होता है, तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है, पूर्णिमा के दिन। अगर क्वेश्चन आ गया कि किस तरह लगता है, तो लिखो चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, जब पृथ्वी, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी दोनों के बीच आ जाएगी, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी जब आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण कैसे लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है? सूर्य ग्रहण कैसे लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लोहे का गलबीकरण किस धातु से किया जाता है? लोहे का गलबीकरण, या गैल्विनाइजेशन भी कहते हैं इस प्रक्रिया को, लोहे का गलबीकरण जिंक धातु से या जस्ते के द्वारा। जिंक भी लिख के आ सकता है आपको हिंदी में, वहां पर हिंदी में जस्ता तो इसको कहते ही हैं। तो लोहे का गलबीकरण जिंक या जस्ते द्वारा किया जाता है। रबड़ का बल्कनीकरण सल्फर के द्वारा किया जाता है। रबड़ का बल्कनीकरण, जैसे लोहे का गलबीकरण होता है, रबड़ का बल्कनीकरण होता है। तो रबड़ जो है वो उसको कठोर बनाने के लिए रबड़ को उसका बल्कनीकरण किया जाता है। किसके द्वारा? सल्फर के द्वारा। सल्फर को बोलते हैं गंधक। तो रबड़ का बल्कनीकरण सल्फर के द्वारा या गंधक के द्वारा किया जाता है। रबड़ प्राप्त होती है पेड़ों से। रबड़ किससे प्राप्त होती है? पेड़ों से प्राप्त होती है। रबड़ प्राप्त होती है पेड़ों से। प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? रबड़। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, प्राकृतिक बहुलक, बहुलक को बोलते हैं पॉलीमर। तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? रबड़ है। प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? रबड़। प्लास्टिक के बर्तन बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग होता है? मेलामाइन का। प्लास्टिक के बर्तन बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग होता है? मेलामाइन। और भारत का सबसे अधिक रबड़ उत्पादक देश देश का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है थाईलैंड।
क्यों विश्व का बोला उन्होंने, विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश थाईलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश थाईलैंड है। मैं विश्व का बता रहा हूं भाई, विश्व का। विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश थाईलैंड है। अगला क्वेश्चन लिखिए, पानी में बर्फ क्यों घुलती है? पानी में बर्फ क्यों घुलती है? क्योंकि बर्फ का आयतन पानी से कम है। क्योंकि बर्फ का आयतन पानी के आयतन से कम है। बर्फ पानी में क्यों घुलती है? क्योंकि बर्फ का आयतन पानी के आयतन से कम है। पानी से भरे हुए गिलास में यदि बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाए तो पानी का स्तर क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा या अपवर्तित रहेगा? पानी से भरे गिलास में यदि बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाए तो पानी का स्तर अपवर्तित रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, अपवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से बर्फ बनाना भौतिक परिवर्तन है। पानी से बर्फ बनाना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। पानी से बर्फ बनाना भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, दूषित भोजन से होने वाला रोग, है हैजा। दूषित भोजन से होने वाला रोग हैजा है। हैजे के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने की। और हैजा रोग प्रभावित करता है आंतों को। हैजा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आंतों को प्रभावित करता है, हमारी इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, इफेक्टिव करता है। दूषित पानी से होने वाला रोग टाइफाइड है। दूषित पानी से होने वाला रोग टाइफाइड है। टाइफाइड रोग प्रभावित करता है बड़ी आंत को। या आंतों को, वहां पे ऑप्शन में जा आंतें आएगा या बड़ी आंत आएगा। टाइफाइड बड़ी आंत को प्रभावित करता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी है? लगभग 22 फुट। छोटी आंत की लंबाई, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई जो है वो लगभग 22 फुट है। अगर मीटर में पूछा गया तो 7 से 8 मीटर। छोटी आंत की लंबाई 7 से 8 मीटर के बीच है।
टाइफाइड का पता लगाने के लिए कौन सी जांच की जाती है? बिडाल टेस्ट। टाइफाइड का पता लगाने के लिए, टाइफाइड का पता लगाने के लिए कौन सी जांच होती है? बिडाल टेस्ट किया जाता है। बिडाल टेस्ट। यस, बिडाल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक्सरे की खोज किसने की? विलियम राइटजर ने। एक्सरे की खोज किसने की? विलियम रॉयटजर ने की। और विश्व में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार भी विलियम रॉयटजर को मिला। क्या किया इसने? इसने एक्सरे की खोज की थी, इसीलिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला। विश्व का पहला व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, विश्व का पूछा गया तो आएगा विलियम रॉयटजर। अगर आ गया भारत का तो रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल पुरस्कार विजेता पहला भारतीय टैगोर है, उसको 1913 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं? 100 सेंटीमीटर। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है? किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है? भूमध्य रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री होता है। भूमध्य रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भूमध्य रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री होता है और ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री होता है। ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री होता है। मानव शरीर में कितने प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। मानव शरीर में कितने प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं? 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं, 3 प्रकार के ब्लड सेल्स जो है हमारे ब्लड बॉडी में पाए जाते हैं। नंबर 1 आरबीसी, नंबर 2 WBC, नंबर 3 प्लेटलेट्स। नंबर 1 आरबीसी जिसे कहते हैं रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिकाएं, नंबर 2 WBC व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कणिकाएं या सफेद रक्त कणिकाएं, नंबर 4 प्लेटलेट्स, नंबर 3 प्लेटलेट्स। लाल रक्त कण क्या कहलाता है? एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण क्या कहलाता है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। सफेद रक्त कण क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट। सफेद रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल को कहते हैं ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स कहलाता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। सबसे बड़ा सफेद रक्त कण है मोनोसाइट। तो जो WBC है उसके 2 पार्ट आगे और 2 भाग और हैं। तो सबसे बड़ा WBC है मोनोसाइट और सबसे छोटा WBC लिम्फोसाइट है।
तो ये जो लिम्फोसाइट है यही हमारा जो है बीमारियों से रक्षा करता है, लिम्फोसाइट जिसे कहते हैं। एंथ्रोसाइट नहीं भाई, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहते हैं, एरिथ्रोसाइट डबल जो बीसी को कहते हैं, ल्यूकोसाइट प्लेटलेट्स को कहते हैं, थ्रम्बोसाइट। तो WBC के दो भाग हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा WBC, सबसे बड़ा सफेद रक्त कण मोनोसाइट है, और सबसे छोटा श्वेत रक्त कण लिम्फोसाइट है। तो लिम्फोसाइट का क्या काम है? लिम्फोसाइट जो है ये हमें बीमारियों से बचाता है, लेकिन जनरली जो है बुक्स में दिया जाता है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, संक्रमण से मुकाबला करना या हमें बीमारियों से बचाता है, लेकिन उसमें लिम्फोसाइट जो है वो करता है ये काम, जो उसका अगला पार्ट है उसका ये काम है। लिम्फोसाइट जो है वो हमें बीमारियों से बचाता है, जो कि वाइट ब्लड सेल का सबसे छोटा नाम है या सबसे छोटा भाग है। चलो ठीक है भाई।